शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्र में गरबा न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मध्य प्रदेश में भी गरबा और डांडिया की तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि गरबा महोत्सव में बिना पहचान पत्र के लोगों को प्रवेश न दिया जाए। पूर्व मंत्री उषा ठाकरे ने कहा कि नवरात्रि का पर्व शक्ति और साधना का पर्व है, संपूर्ण समाज अपनी शक्ति में वृद्धि करे, यही अपेक्षा हम नवरात्रि में सब सनातनियों से करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि गरबा में वोटर आईडी से पहचान अनिवार्य होना चाहिए, जो आए अपनी पहचान छुपा कर ना आए। आप पहचान छुपा कर लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, जब तक संस्कारों में नैतिकता और सात्विकता नहीं आएगी तब तक इन बुराइयों से नहीं बचा जा सकता है। मैं सीएम मोहन यादव से मिलकर इस बारे में चर्चा करूंगी और प्रयास करूंगी कि बिना वोटर आईडी के किसी को भी प्रवेश ना दिया जाए। नवरात्र का ये जो पर्व है ये शक्ति और साधना का पर्व है। संपूर्ण समाज अपनी शक्ति में सामर्थ्य में वृद्धि करे, शस्त्र और शास्त्र की साधना करे, यही अपेक्षा नवरात्रि हम सब सनातनियों से करती है। आईडी तो आप जानते हैं हर क्षेत्र में कंपलसरी अनिवार्य है, तो गरबा में भी आईडी कंपलसरी होनी चाहिए। जो भी आए अपनी पहचान छुपा कर ना आए, बस अपेक्षा इतनी है। आप अपनी पहचान के साथ आइए, अपने घर परिवार अपनी बहन बेटी पत्नी के साथ आइए और शामिल होइए, कोई आपत्ति नहीं है। पर अपनी पहचान छुपा कर आप लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। जो छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, इसको समाज का नैतिक उत्थान ही रोक सकता है। जब तक संस्कारों का दृढ़ीकरण नहीं हो, व्यक्ति में नैतिकता नहीं हो, सात्विकता नहीं हो, तब तक वो इन बुराइयों से बच नहीं सकता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।